हमारे देश में तो आज तालिबान से भी बदतर हालात हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। किस तरह मणिपुर में हमारी माता और बहनों को नंगा घुमाया जा रहा, ऐसा तो तालिबान में अफगान में कहीं भी नहीं होता है। सरकार नपुंसक हो चुकी है, सरकार के बस की कुछ रहा नहीं है, वहाँ की औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। तो उस प्रधानमंत्री को सदन में शर्म से झुक जाना चाहिए और तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन आज ही के दिन लगा देनी चाहिए। जो जनता के साथ वहाँ पे हो रहा है, मैं उसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। नफरत हारेगा, इंडिया जीतेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम जो है कांग्रेस यूथ कांग्रेस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर तमाम प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जो मणिपुर और महंगाई और देश के तमाम जो मेन मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार ने चुप्पी साधा हुआ है, कोई एक शब्द बोलने का नाम नहीं लेती। उसी को लेकर यहाँ पर युवाओं ने, कांग्रेस के लोगों ने और आम जनता ने मिलकर जो इनका साथ देते हुए मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो मंतव्य था कि संसद तक जाना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया, इन्हें इधर ही रोक दिया गया। पुलिस अभी भी इनको अंदर जाने के लिए वो अलाउ कर रही है, तो अंदर जा भेज रही है, क्योंकि उधर जो है बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दमनकारी सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, ना इसकी आंखें खुल रही है ना कान खुल रहे हैं। किस तरह मणिपुर में हमारी माता और बहनों को नंगा घुमाया जा रहा, ऐसा तो तालिबान में अफगान में कहीं भी नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ इससे क्रूर सरकार, अंधी बहरी सरकार हो नहीं सकती है। मैं कह रहा हूँ वे माताएं बहनें किसकी है? क्या मणिपुर हमारे देश के हिस्से से कट चुका है क्या? अगर हमारे देश में वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो एक घटना है, ऐसी घटनाएं तो रोज होती है, इसका मतलब 3 महीने से लगातार माताएं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, वहाँ के लोगों को इज्जत लूटी जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, गृह मंत्री भी इस्तीफा दे इस चीज में। मैं बता रहा हूँ सदन में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं 8 मिनट बोलते हैं, उनके पास सिर्फ वक्त होता है तो 36 सेकंड वक्त होता है मणिपुर के लिए, और उसके बाद जो सारा वक्त लगाते हैं वो छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की राजनीति में लगा। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री का प्रचार जीवी में व्यस्त है, उन्होंने उनका काम सिर्फ ये रह गया है प्रचार करने का, वो सिर्फ मणिपुर की जनता को टारगेट कर रहे हैं। उनको मतलब 1 सेकंड का उनके पास वक्त नहीं है वहाँ जाने का, बोलने का, सदन में उनकी बात उठाने का। मैं कह रहा हूँ इससे क्रूर काम हो नहीं सकता कि वहाँ की जनता को नंगा, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। उस जिस भी देश का हो, चाहे हमारे का दूसरे का, जिस देश के प्रधानमंत्री हो और उस वहाँ की औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, तो उस प्रधानमंत्री को सदन में शर्म से झुक जाना चाहिए और तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन आज ही के दिन लगा देनी चाहिए और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाना है। क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये मौन है, ये मौन सरकार बैठी हुई है, ना इसके कानों में जूं रेंग रही है, ना मुँह से एक शब्द निकल रहा है। मैं बताइए वहाँ की जनता, स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दुखद घटना, इतना घिनौना अपराध है, इस पर कार्रवाई राष्ट्रपति शासन से, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त के बाद इससे बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप इतना बड़ा मोब चल के एक टारगेट किया जा रहा है, एक जाति के, एक धर्म के लोगों के, उसकी औरतों का टारगेट, वहाँ की सरकारें कर क्या रही है? सरकारों के हथियार गिर चुके हैं, सरकार नपुंसक हो चुकी है, सरकार के बस की कुछ रहा नहीं है। राष्ट्रपति शासन के अलावा वहाँ कोई और रह नहीं गया चारा, तुरंत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आज जब इतने 3 महीने से देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा था और देख रहा था कि सदन में प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, उनके लिए कुछ शब्द कहेंगे, उनके कुछ दुखों पे मरहम लगाने का काम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आते और सदन में 8 मिनट बोलते हैं, उस 8 मिनट में 36 सेकंड सिर्फ मणिपुर को दिए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश की एक स्टेट का, जिसका उनका खुद का रूल है, उसके बारे में उनके पास वक्त नहीं है, उनके संवेदना व्यक्त करने का वक्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ यही माताएं बहनें किसी बीजेपी पार्टी के नेता की माताएं बहनें होती तो भी उनका यही कार्य होता क्या? मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या मणिपुर को लेकर सच में चिंतित है कि राजनीति के रोटियां सेक रही है कांग्रेस? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी गए थे वहां, जाने नहीं दिया, तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन ले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, वहाँ विपक्ष को जाना दिया है, वहाँ की लोगों के आवाम का पता चले वो किस दुख में है, किस दर्द में है। जब यहाँ पे वो तस्वीरें आती हैं, वहाँ की महिलाओं को खुला नंगा घुमाया जाता है, तो इससे बड़ा मैं कह रहा हूँ कोई कार्य हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ विपक्ष को जाने दिया जाए, उनके दुख दर्द के साझा किए जाए, ताकि कुछ मणिपुर की जनता के
मतलब दिलों पे मरम लगे और वे अपने पुराना जो इतिहास है, जो झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा, उसे भूले और आपस में मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहे। और राहुल गांधी इसमें मतलब नेतृत्व करने के लिए तैयार है, तो सरकार को क्या दिक्कत है इसमें जाने के लिए? सरकार नहीं चाहती वहाँ शांति हो, वहाँ पर अगर ये भी जो जनता के साथ वहाँ पर हो रहा है, मैं उसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। क्योंकि उसके बाद जो बयान आता है मुख्यमंत्री का, वो कहते हैं ये तो एक छोटी सी घटना, ऐसी घटनाएं तो मणिपुर में रोज़ हो रही है। आप बताइए, दो महिलाओं के नंग फोटो जा रहे हैं, उन्हें पब्लिक मोब लेके जा रही है, ये एक छोटी सी घटना है? और ये घटना वो कह रहे हैं ये घटना रोज़ हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए मुख्यमंत्री, उस वहाँ के मुख्यमंत्री का। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वहाँ उनकी सरकार है या दूसरे की सरकार है। भारतीय सेना ने वीडियो साझा किया था, उसमें कहा था कि मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो उग्रवादियों का साथ दे रही हैं। मैं कह रहा हूँ महिलाओं के ऊपर ये बीजेपी की चाल है, मतलब बीजेपी की ही सोच, चाल, चरित्र, चैत्र है। जो भी सामने आता है उसको या तो आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, या मैं कह रहा हूँ मणिपुर की महिलाएं किसके साथ है? विद्रोहियों के साथ है या देश के साथ, किसके साथ है, ये बात की बात है। लेकिन अगर वो किसी के भी साथ है तो उनको नंगा घुमाए जाने का मोब का कोई नहीं था। क्या आप अगर कोई कहीं है, किसी दल में है, किसी के साथ है, तो आपको ये परमिट मिल गया क्या? बीजेपी या आरएसएस को परमिट मिल जाता है क्या कि उन औरतों को नंगा घुमाए, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार करे? ये बीजेपी की सोची समझी चाल है। 2024 में इस देश को एक कम्युनल, एक हिंसा की आग में धकेलने की तरफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये शुरुआत मणिपुर से की जा रही है, आगे आगे देश में हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ देश की जनता, किसी की भी माताएं बहनें, मैं खुद देख रहा, कल ट्रेंड कर रहा था पूरे वर्ल्ड में, पहले नंबर और दूसरे नंबर पे अगर कोई ट्रेंड कर रहा था तो वो सिर्फ मणिपुर कर रहा था। मैं कह रहा हूँ पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है किस तरह, अगर दूसरे देश में भी महिलाएं बैठी देखती होंगी, वो देखते हुए आज भी हमारे देश में हमारी महिलाओं को, बेटियों को ऐसे नंग घुमाया जा रहा है और किस तरह से उस मोब उसके साथ व्यवहार कर रही है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का नहीं, मेरा खुद शर्म से सर झुक गया। प्रधानमंत्री भी तो कहा देश की बेइज्जती हो रही है। हाँ तो हम भी तो ये कह रहे हैं देश की बेइज्जती हो रही है, शर्म झुक रहा है, एक आम नागरिक का शर्म झुक रहा है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ 3 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? क्यों नहीं तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया? मुख्यमंत्री का बयान कितना शर्मनाक था, वो कहते हैं ऐसी घटनाएं तो मणिपुर में रोज होती हैं। और आप बताइए, जब प्रधानमंत्री सदन में बोले, 8 मिनट वो बोले हैं, कितना वक्त दिया गया मणिपुर के लिए उन्होंने? मणिपुर के 36 सेकंड, उन्हें 37वां सेकंड उनके लिए बोला नहीं। लेकिन इसी जनता ने तो जिता के उनको सत्ता के कुर्सी पे बैठाया है। देखो, जीत और हार किसी को बेमानी करने का वो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो आरएसएस, बजरंग दल या बीजेपी के गुंडों को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो भारत की, देश की, आवाम की महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार। मैं कह रहा हूँ अगर इसकी गहन जांच होगी तो इसमें बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जरूर पाए जाएंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी के वर्कर जैसे जैसे 24 आ रहा है, एक्टिव हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए लगातार वो प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये देश में आग लगी हुई बुझनी चाहिए आने वाला वक्त, वरना देश तालिबान से कम नहीं होगा। और मैं तो कह रहा हूँ तालिबान में भी हमने देखा है, पूरा माहौल देखा है, तालिबान में भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं हुई थी, किसी महिला को नंग घुमाया गया था। तो मैं कह रहा हूँ हमारे देश में तो आज तालिबान से भी बदतर हालात हो गए हैं। तो बैन कर दिया ना, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कैसे अब जो है भारत को तालिबान से कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि तालिबान में बोलने का कह रहे हैं कि तालिबान में भी ऐसी घटना नहीं देखने को मिली थी जहाँ महिलाओं को जो है नग्न करके जो घुमाया जा रहा है, ये जो तस्वीर है बेहद शर्मनाक और दुखद है। और इस पर आक्रोश जो लोगों का बढ़ता ही जा रहा है, लगातार आक्रोशित होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। और वाजिब भी है क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है, जिस तरीके के ये फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो बेहद ही शर्मनाक है। क्या कहेंगे जो मणिपुर की घटना हो रही है और वीडियो वायरल हो रहा है दो महिलाओं की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भी मतलब आँख चुरा के भाग रहे हैं। उनको जो देश में करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, उनके पास विज़न नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टेलीविज़न पे दिखने वाले लोग हैं, आप समझिए, धरातल पे क्या है कुछ भी नहीं है। इसी सरकार ने, मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर पे भी हमारे देश की महिलाएँ, पहलवानों को भी कुचल दिया गया, तो मणिपुर उनके लिए कोई वो नहीं है। वो मैंने कहा कि वो भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, आंख चुरा रहे, उनको देश को चलाना चाहिए था।
आज वो मौन है मणिपुर में, आज वो मौन है अडानी पर, आज वो मौन है देश के युवाओं को रोजगार देने पर, आज वो मौन है महंगाई को कम करने पर, आज वो मौन है भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने पर, आज वो मौन है इस देश के डेवलपमेंट को ख़त्म करने पर, आज वो मौन है इस देश की सारी संस्थाओं को बेचने पर। इसी सरकार ने, मोदी ने लगातार वादे किए, दावे किए हैं कि उनकी सरकार में जो है महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, जबकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, मणिपुर में भी उन्हीं की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत एडवर्टाइजिंग करे थे, प्रत्येक दिन की कितनी घटनाएं इनके कार्यकाल में महिलाओं पर उत्पीड़न कितना तेजी से बढ़ रहा है। अरे बढ़ना इनका स्वाभाविक है, मैं आपको बता दूं, इनके खुद मंत्री महिलाओं पर छेड़छाड़ के आरोप में, आपको पता है ना, FIR हो गई, तब भी कुछ नहीं था। चिन्मयानंद भी इनके ही हैं, कितने गिनाओं में इनके लोगों को बताइए। देश को धर्म की राजनीति पर बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। याद रखिए, नफरत हारेगा, इंडिया जीतेगा। राहुल गांधी जी इस देश के लिए, उनके पास विजन है। आज संसद सत्र शुरू हुआ है, संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी के आंखों में आंखें डालकर बोलने वाला कौन है? लेकिन विवाद इंडिया पर भी है कि राहुल गांधी जाके विदेश में बुराई करते थे और अब इंडिया ही अपने गठबंधन का नाम रख लिया। कब बुराई करी है? बुराई तो इन्होंने करी है, नरेंद्र मोदी जी ने। इनकी कितनी वीडियो वायरल होती है बताइए आप। इनसे देश नहीं संभल सकता। जब देश की जनता ये वीडियो सुन रही है, देश की जनता को पता है कि दो बार मौका नरेंद्र मोदी को दिया है, एक बार मौका इंडिया को क्यों नहीं दे सकते, एक बार मौका राहुल गांधी जी को क्यों नहीं दे सकते। इस देश को समझिए, हर चीज़ से अवगत कराने वाले राहुल गांधी जी है, याद रखिए। और याद रखिए, नफरत बेरोजगारी को सब सिर्फ एक ही आदमी ख़त्म कर सकता है, राहुल गांधी जी। साफ तौर पर आपने सुना कि कैसे जो है आक्रोश है, और सबका कहना यही है कि जो बेरोजगारी और जो अभी देश में तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उसको एक ही इंसान ख़त्म कर सकता है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ दावे किए थे लेकिन ज़मीनी स्तर पर एक भी काम नहीं किया है। बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहिता।